कैंसर के इलाज में बालों का झड़ना एक मीडिया में एक सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। यदि आप कोई भी पिक्चर देखोगे, टीवी शो देखोगे, उसमें कैंसर पेशेंट को दिखाया जाएगा, उनको हमेशा गंजा दिखाया जाता है। तो इसको कीमोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे जिस कीमो से नॉर्मली बाल झड़ते हैं उसमें भी बाल झड़ने को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे स्कैल्प कूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि हेयर लॉस एक बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है कैंसर का, स्पेशली फीमेल्स में हमेशा डर रहता है कि हमें कीमोथेरेपी लगेगी तो हमारे बाल झड़ेंगे, जिससे ना केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम रहेगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रहेगी, पर लोगों को भी बदल जाएगा कि हमारा कैंसर का इलाज चल रहा है। तो इट्स अ वेरी कॉमन कंसर्न, स्पेशली फीमेल पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ ताकि मेरे कीमोथेरेपी के ड्यूरिंग हेयर लॉस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि आजकल कैंसर के हर ट्रीटमेंट में हेयर लॉस नहीं होता। तो कैंसर के जो विभिन्न इलाज है, चाहे वो सर्जरी, रेडिएशन हो, उनमें तो हेयर लॉस होता ही नहीं है। अदर देन दैट, जो दवाइयाँ होती है कैंसर की, उसमें चार मेन ट्रीटमेंट जो है, यानी कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी, इनमें से तीन में, यानी हार्मोन, टारगेट और इम्यूनोथेरेपी में, टिपिकली हेयर लॉस नहीं होता। और कीमोथेरेपी में भी सिर्फ 50% ड्रग्स ऐसे हैं जिनमें हेयर लॉस होता है, जो कि ज्यादातर केसेस में रिवर्सिबल होता है। परंतु कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं जो कॉमन इंडिकेशन जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल होते हैं, जिनका रिजल्ट होता है कि हेयर लॉस, और स्पेशली फीमेल जिनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज चल रहा होता है, उन्हें हमेशा ये वरी रहती है कि मेरे को हेयर लॉस होगा, और वो उसको किसी तरह अवॉइड करना चाहते हैं ताकि उनका हेयर लॉस ना हो। तो रिसेंटली एक नई टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी आई है, जिसको हम बोलते हैं स्कैल्प कूलिंग सिस्टम, जो कि अवेलेबल है, जिससे जिन लेडीज को वो कीमो लग रही है जिससे हेयर लॉस होता है नॉर्मली, उसको भी अपना प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो कीमो के एंड तक अपना नॉर्मल लुक मेंटेन कर सके और अपने नॉर्मल हेयर अपने पास रख सके, ताकि पेशेंट एक नियर नॉर्मल अपीयरेंस और लाइफस्टाइल और साइकोलॉजी अपनी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मेंटेन कर सके। लेट्स टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट व्हाट इज स्कैल्प कूलिंग एंड हाउ इट वर्क्स। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, स्कैल्प कूलिंग मतलब जहां पे बाल हमारे उग रहे हैं खोपड़ी के ऊपर, एक मशीन के द्वारा ड्यूरिंग कीमोथेरेपी ठंडी एनवायरमेंट रखी जाए ताकि हेयर लॉस ना हो। तो स्कैल्प कूलिंग कैसे काम करती है फ्रेंड्स? बेसिकली क्या होता है कि जब हेयर के ऊपर कोल्ड एनवायरमेंट रखी जाती है, उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। तो कीमोथेरेपी कैसे काम करती है, बॉडी में जो भी सेल डिवाइड हो रहे होते हैं उनको किल कर देती है। तो जब हम इस एरिया के बालों के सेलों को ठंडा कर देते हैं, तो उनका डिवीजन रेट ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी का असर उन पर कम हो जाता है। तो चूंकि कीमोथेरेपी बॉडी में जहां भी सेल डिवाइड कर रहे हैं वहां पर सेल्स को किल करती है, बाय स्टॉपिंग डिवीजन ऑफ सेल्स इन द रूट ऑफ द हेयर, हम कीमोथेरेपी के असर को कम करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट तरीका ये होता है कि जब हम इस एरिया को कोल्ड करते हैं, तो यहाँ का ब्लड सप्लाई अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि उस एरिया की नसें सिकुड़ जाती है। नेट रिजल्ट ये है कि स्कैल्प पे कीमोथेरेपी ड्रग इतनी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाता है, इतना बाकी बॉडी में जा रहा है, और नेट रिजल्ट ये होता है कि हेयर सेल्स को इतना कीमोथेरेपी का एक्सपोजर नहीं होता, उससे हेयर लॉस कम होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे स्कैल्प कूलिंग काम करती है और जिससे हेयर लॉस का इंसिडेंस कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्कैल्प कूलिंग के बारे में आपको हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई स्कैल्प कूलिंग में लगभग कितना फायदा होता है, मतलब स्कैल्प कूलिंग करना चाहिए तो उसमें कितना एडवांटेज है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि स्कैल्प कूलिंग एक परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। स्कैल्प कूलिंग हेयर लॉस को कम करता है, पर 100% प्रिवेंट सब पेशेंट में नहीं करता। तो जो रिसर्च डेटा अवेलेबल है वो ये कहता है कि विजिबल हेयर लॉस, यानी यदि हम पेशेंट को देख के बता दें कि इसके बाल झड़ रहे हैं, उसका रिस्क स्कैल्प कूलिंग 50% कम करता है। तो यदि किसी कीमो से नॉर्मली ऑलमोस्ट 95% पेशेंट में हेयर लॉस होता है, तो स्कैल्प कूलिंग से विजिबल हेयर लॉस का रिस्क कम होकर उसको अराउंड 40% पे कर देगा। तो अराउंड 50% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ विजिबल हेयर लॉस होता है स्कैल्प कूलिंग से, बट ये 100% सक्सेसफुल प्रोसीजर नहीं है। परंतु ज्यादातर पेशेंट जिनके घने बाल है उनमें यदि स्कैल्प कूलिंग का इस्तेमाल किया जाए तो विजिबल हेयर लॉस का इंसिडेंस काफी कम होता है, और बहुत कॉमन है कि कोई भी देख के, पेशेंट को देख के बता ही नहीं पाता कि पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है, और उसके कम्प्लीटली नेचुरल हेयर लुक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए लगता है कि कम्प्लीटली नेचुरल है। हालांकि कुछ हेयर लॉस अब भी होता है, पर विजिबल बंदे को कभी समझ में नहीं आता कि पेशेंट का कीमोथेरेपी के दौरान हेयर लॉस होता है और पेशेंट अपनी नेचुरल लुक मेंटेन कर पाता है। तो स्कैल्प कूलिंग का प्रोसेस क्या है? तो स्कैल्प कूलिंग का प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। देखो दोस्तों, जब पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए एडमिट होता है और जब उसकी कीमोथेरेपी लगाई जाने वाली होती है, कीमोथेरेपी से रफली 30 मिनट्स पहले एक मशीन होती है जो हेलमेट जैसी मशीन होती है,
जो पेशेंट अपने सर पे पहन लेता है और मशीन को स्विच ऑन कर देता है, और मशीन का टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है उससे कम होके अराउंड 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस पे मशीन अपना टेम्परेचर ले आती है और स्कैल्प को कोल्ड कर देती है। एक बार स्कैल्प कोल्ड हो जाती है तो पेशेंट का कीमोथेरेपी शुरू होता है, और कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद अराउंड 1 आवर तक पेशेंट को कंटिन्यूअसली वो हेलमेट पहनना होता है। हेलमेट मशीन से डिटैचेबल होता है, तो पेशेंट को बाथरूम वगैरह जाना है तो वो डिटैच करके हेलमेट पहने पहने इधर उधर घूम सकता है। और जब कीमोथेरेपी पूरी तरह खत्म हो जाती है तो पेशेंट को हेलमेट रिमूव करके हम घर भेज देते हैं, क्योंकि इतने टाइम में कीमोथेरेपी बॉडी से निकल जाती है और उसके बाद पेशेंट को फर्दर हेयर फॉलिकल्स को रिस्क नहीं है एंड पेशेंट कैन गो होम। और हर साइकिल में पेशेंट को ऐसे ही हेलमेट पहनना पड़ता है, स्कैल्प कूल करके कीमोथेरेपी खत्म करके पेशेंट घर चले जाता है। और ओवर टाइम हम देख सकते हैं कि पेशेंट का हेयर लॉस जो एक्सपेक्टेड है उससे कंपेयर काफ़ी कम होता है। तो स्कैल्प कूलिंग के इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस भी हमें जानने चाहिए। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है यूनिवर्सली सब में यूज़ करना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रॉब्लम्स हैं कि स्कैल्प कूलिंग के साथ, जिसके लिए पेशेंट कई बार स्कैल्प कूलिंग के लिए नहीं ऑप्ट करते। नंबर 1 ये है कि स्कैल्प कूलिंग का परफेक्ट मेथड नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, स्कैल्प कूलिंग हेयर लॉस को 50% कम करता है, 100% नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट स्कैल्प कूलिंग के कॉस्ट और इनकन्वीनियंस के थ्रू जाए और तब भी उसका हेयर लॉस, विजिबल हेयर लॉस हो जाए। इसलिए कई पेशेंट सोचते हैं कि इसकी बजाय नॉर्मल चीज़ें जैसे स्कार्फ या शेविंग या विक के थ्रू ही अपना ट्रीटमेंट मैनेज करें और स्कैल्प कूलिंग ना करें। सेकेंड है कॉस्ट। तो स्कैल्प कूलिंग का दोस्तों डिपेंडिंग ऑन किस हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है, टिपिकली कॉस्ट 1500 से 4000 के बीच में होता है पर सेशन। तो कई पेशेंट को लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा है तो दे डोंट गो फॉर स्कैल्प कूलिंग बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एंड थर्ड होता है पेन। तो देखो, आप स्कैल्प को यदि फ्रीज करोगे या ठंडा करोगे तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग थेरेपी पेशेंट को थोड़े से सर में टाइटनेस या पेन या हेडेक फीलिंग होगी। तो कुछ लोगों को ये पेन अनकंफर्टेबल लगता है और वो प्रेफर करते हैं कि इसके थ्रू ना जाए। वो सिर्फ जब हेलमेट पहना होता है तभी पेन होता है, उसके बाद पेन खत्म हो जाता है। पर इवन देन सम पेशेंट डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू दैट पेन। तो कई पेशेंट इस रीजन से स्कैल्प कूलिंग नहीं कराते हैं। पर अदर देन दीज 3 डिसएडवांटेजेस, ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको स्पेशली फीमेल पेशेंट यूज कर सकती है अपना हेयर लॉस के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम करने के लिए। और लास्ट में हम बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी के कॉस्ट के बारे में। तो जैसे मैंने अभी अभी डिस्कस किया, विभिन्न हॉस्पिटल्स में ये टेक्नोलॉजी एनीवेयर फ्रॉम 1500 to 4000 पर सेशन के लिए अवेलेबल है। पर्सनली हमारे हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी का कॉस्ट इज ओनली 1500 rupees फॉर बेनिफिट ऑफ पेशेंट्स। बट मेजोरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स में टिपिकली इसका कॉस्ट पर सेशन अराउंड 4000 के ज़्यादा क्लोज रहता है। तो इट डिपेंड्स कि आप अपना ट्रीटमेंट कहाँ करा रहे हो और किस कॉस्ट पर आपको स्कैल्प कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल रही है। हो सकता है विभिन्न टाइम पे हॉस्पिटल में विभिन्न कॉस्ट पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। डेफिनेटली एज दिस टेक्नोलॉजी बिकम मोर वाइडस्प्रेड, जैसे मशीन और हॉस्पिटल में लगेगी, इसका कॉस्ट शायद और कम डाउन होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मुझे उम्मीद है कैंसर पेशेंट्स को इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, कैसे वो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कैंसर ट्रीटमेंट इंप्रूव कर सकते हैं और विजिबल हेयर लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पज ये है कि इंडिया के जो पेशेंट है कैंसर पेशेंट, उन्हें वर्ल्ड की लेटेस्ट कैंसर टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट सपोर्टिव केयर का इन्फॉर्मेशन अपनी भाषा में मिले ताकि वो अपना केयर मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सके और बेस्ट से बेस्ट सर्वाइवल और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पा सके। तो इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है जो आपको नहीं समझ में आया, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स से हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे वेरी सून। थैंक यू।